मीटिंग हो गई और इस मीटिंग में एक महाराष्ट्र में परिस्थिति पैदा हुई है, इस बारे में लोगों ने उनकी जो कुछ राय है वो लिखित स्वरूप है मेरे हाथ में था। उनकी राय ये थी कि जितनी सीटें जिसकी जिम्मेदारी संभालने वाले उनको अपना डिसीजन भी कंसिडर करने के लिए कही, ये उनका निवेदन हमें मिला। ये इशू के बारे में महाराष्ट्र की जो लीडरशिप है, एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट, बाकी सब सीनियर मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंबर एंड मिस्टर प्रफुल्ल पटेल एंड ऑल ऑफ वी सैट टुगेदर, हम लोग इकट्ठा बैठे और हमने ये बात कही कि जो इशू रेज किया गया और ख़ासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने डेलीगेशन के बारे में वाइट पेपर निकलने के बारे में जो सुझाव दिया, इसका पूरा समर्थन करना चाहिए और वो समर्थन करने की बात हमने स्वीकृत की। साथ साथ ये जल्दी से जल्दी ये वाइट पेपर लोगों के सामने आना चाहिए। महाराष्ट्र में डेलीगेशन सेक्टर में जो कुछ काम हुआ, ये काम में खाली खेती के लिए पानी की समस्या हल करने की बात नहीं है। महाराष्ट्र एक अर्बनाइज स्टेट है, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर देने की भी जिम्मेदारी इरीगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ती है। महाराष्ट्र देश में औद्योगिक क्षेत्र में एक अच्छा काम करने वाला स्टेट है और वहाँ इंडस्ट्री के लिए भी पानी देना पड़ता है। और दूसरा कि महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ सफिशिएंट करने के बारे में जो कदम उठाए गए हैं, इसमें थर्मल स्टेशन को भी बड़े पैमाने पर पानी देना पड़ता है। साथ साथ ग्रुप ऑफ विलेजेस के ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स है, उसको भी पानी देना पड़ता है। ये सभी सेक्टर को जो पानी दिया गया वो इकट्ठा करके टोटल इरीगेशन या जनरल पानी कितना तैयार हो गया, इसका संचय कितना हुआ, ये बात ये वाइट पेपर के माध्यम से लोगों के सामने आ सकती है। वो लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। कि और कई प्रकल्प ऐसे हैं कि मेरे क्षेत्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट और खुलना डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में एक उजनी नाम का प्रोजेक्ट है, 1962 में इसकी काम की शुरुआत हुई, अभी भी काम कुछ ना कुछ बाकी है। और इसलिए इतने साल जाने के बाद जो इसकी प्राइस है, इस पर एक तरह का फर्क पड़ता है, बढ़ोतरी होती है, और इसलिए ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट वाइज वो भी देखना पड़ता है। तीसरी ऑर्गेनाइज खासतौर पर ये जो रिहैबिटेशन के बारे में जो जिम्मेदारी पड़ती है, इसका भी खर्चा इसमें आता है। एंड इरीगेशन डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इंटायर स्टाफ के जो सैलरी और बाकी सब खर्चा वो भी इसमें आता है। एंड पर्यावरण के बारे में जो कुछ गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, इसके वजह से प्रोजेक्ट डिले भी बहुत होता है। ये सब बातें लोगों के सामने रखनी चाहिए और उन्हें रखने के लिए जल्दी से जल्दी भारत के गवर्नमेंट के हमारे साथ जैसे प्रयास करना चाहिए। यही एक विचार आज के मीटिंग में सब लोगों के माध्यम से हमारे सामने आया और राज्य सरकार को वो संदेश हम देने वाले हैं। अजीत पवार जी ने तब ये बात हमारे सामने साफ की कि जब तक ये सब चीज़ें लोगों के सामने आती हैं, आती नहीं, तब तक मैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं हूँ। और इसलिए उनका जो इस्तीफा है वो सिक्योर करने की बात हम राज्य सरकार के लोगों को कहने वाले हैं। बाकी जो मंत्रियों ने उनको समर्थन देने के लिए जो इस्तीफा दिए, इसका स्वीकार हमने किया नहीं। ये सब इस्तीफे जो हमारे राज्य के प्रेसिडेंट टीचर साहब के पास है वो वापस लेने के लिए हमने उनको सुझाव दिया है और कल से अपने अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करने के लिए अपने विभाग की काम शुरुआत करूँगा। उनके बाद हमने बाकी साथियों को दी है, इससे मुझे कोई ज़्यादा कहना नहीं। यहाँ की रेशियो की कांग्रेस पार्टी का मैं आभारी हूँ कि यूनानिमसली सब डिसीजन उन्होंने ले दिए और आपका एक थोड़ा सा मुतमंग होगा, शायद नाराज़गी होगी कि
कि आप एक बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि आपको कोई टेक नहीं और एक अच्छी कोई मसाला मिलेगा पवार वर्सेस पवार पवार वर्सेस अंदर, तो ये स्थिति यहाँ कुछ नहीं है। All is always well with NCP.